इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज टी श्रीनिवास यादव जी, इस पूरे कार्यक्रम और एक जिन्होंने इस देश में श्री रामानुजाचार्य की भव्य प्रतिमा के लोकार्पण स्थापना करके जो देश में इतिहास रचा है, ऐसे श्री श्री जीयर स्वामी जी, मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर रामेश्वर राव जी, इस आयोजन से जुड़े मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित संत समाज, देवी और सज्जनों, जय श्री मन्नारायण, श्रीमते नारायण नमः, श्रीमते राम रामानुजाय नमः। भारत के गौरवशाली इतिहास में भक्ति और समता के सबसे महान ध्वजवाहक भगवत रामानुजाचार्य की सहस्त्राब्दी समारोह के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर श्री रामानुज के श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई देता हूं। इस समारोह में भाग लेना तथा भगवत रामानुजाचार्य की स्वर्णिम प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। विगत 5 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामानुजाचार्य की भव्य समता मूर्ति का लोकार्पण किया था। मेरी मान्यता है कि श्री रामानुज स्वामी जी की प्रतिमा से पवित्र इस क्षेत्र में 1035 कुंडों के श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तथा श्री 108 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा से एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का सदैव संचार होता रहेगा। यह एक दैवी संयोग है कि इस क्षेत्र का नाम भी श्री रामनगर है। ये कहा जा सकता है कि ये स्थल भक्ति भूमि है, समता भूमि है, विशिष्टा द्वैत दर्शन की भूमि है तथा ये भारत की संस्कार भूमि है। इस क्षेत्र के स्थापित भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना में श्रेष्ठतम सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी जा सकती। गोदावरी नदी के आशीर्वाद से सिंचित तेलंगाना की प्रत्येक यात्रा मेरे लिए विशेष महत्व रखती है, लेकिन आज की इस यात्रा के दौरान मुझे देश की आध्यात्मिक व सामाजिक परंपरा के एक महान अध्याय से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भूयश्च सरदः सतात, अर्थात 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक सक्रिय रहने का शुभ संकल्प श्री रामानुज के जीवन में सार्थक हुआ था। 100 वर्षों से भी अधिक अपनी लंबी जीवन यात्रा के दौरान स्वामी जी ने भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक स्वरूप को वैभव प्रदान किया। लोगों में भक्ति और समानता का संदेश प्रसारित करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं श्री रंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, सिंघाचलम, आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, द्वारका, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, पुष्कर और नेपाल में मुक्तिनाथ तक की यात्रा की। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री रामानुजाज विशिष्ट द्वैत is not only a singular contribution to philosophy,
but he also showed the relevance of philosophy in day-to-day life. What is called philosophy in the West has been reduced to a subject of only scholarly study. But what we call darshan is not a matter of dry analysis. It is a way of looking at the world and also a way of life. That has always remained true in India, thanks to philosopher saints like Sri Ramanujacharya. Devi aur Sajjano, Sri Ramanujacharya ne Dakshin ki samradh bhakti parampara ko, visheshkar Alvar sant kaviyon ki parampara ko baudhik aadhar pradan kiya. जैसा कि सर्व विदित है, अधिकांश आलवार संत पिछड़ी जातियों में जन्मे थे। श्री रामानुजाचार्य ने तथाकथित अछूत जाति के 53 आलवार जैसे संतों की रचनाओं को वैष्णवों के वेद के रूप में सम्मानित किया। तथाकथित पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए वैष्णव धर्म के द्वार खोलने का कार्य श्री रामानुजाचार्य ने ही किया। उन्होंने समझाया कि भक्ति सभी जाति भेदों से ऊपर है और ईश्वर की आराधना का सबको समान अधिकार होता है। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी पुरोहित वर्ग की जरूरत भी नहीं होती। श्री राम उन्होंने बुद्धि को हृदय से जोड़ा तथा अमूर्त को मूर्त उत्पन्न करने की शिक्षा दी। भक्ति भाव को प्रपत्ति का नाम दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेंट पोइट्स एंड फिलोसफर्स about the sex in the from sea Varanasi. भारत के साधु समाज ने श्री रामानुजाचार्य जैसे दक्षिण भारत के संतों के प्रति सदैव कृतज्ञता व्यक्त की है। उत्तर भारत के भक्तों में एक दोहा प्रचलित है जिसमें कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सात द्वीप नौखंड। अर्थात भक्ति की धारा दक्षिण के क्षेत्र में आलवार संतों और श्री रामानुजाचार्य की परंपरा में उत्पन्न हुई। उसे स्वामी रामानंद उत्तर भारत में ले आए। उनके शिष्य संत कबीर ने जम्बू द्वीप सहित सातों द्वीपों और भरत खंड सहित सभी नौ खंडों में अर्थात समस्त भारतवर्ष में भक्ति के प्रकाश को फैलाया। स्वामी रामानंद ने कबीर, रैदास, दादू, दयाल और पीपा जैसे संतों को भक्ति का मार्ग दिखाया। स्वामी रामानंद के हुए सभी शिष्य तथाकथित पिछड़ी जातियों के थे। आज से सदियों पहले के इस उदाहरण में भारत की समता मूलक चेतना के तत्व विद्यमान हैं। इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य के दर्शन पर आधारित भक्ति की धारा ने समता के आधार पर समस्त भारत में समाज के सभी वर्गों को एक दूसरे से जोड़ा। हमारी परंपरा में समता के भाव को ही ज्ञान का मुख्य तत्व माना गया है। गीता के 5वें अध्याय में कहा गया है
कि पंडिता समदर्शिना, अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। समदर्शी होना ही श्री रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। देवियों और सज्जनों, कल ही मैं महाराष्ट्र में था, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पैतृक गांव में गया था और आज मैं इस पवित्र समारोह में यहां उपस्थित हूं। बाबा साहब के परिवार ने कबीर पंथ को अपनाया था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बाबा साहब का वो छोटा सा गांव आंबडवे और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित यह स्थल श्री रामनगर श्री रामानुजाचार्य और संत कबीर की परंपराओं से जुड़े हुए हैं। समता पर आधारित भक्ति के आदर्श का स्मरण कराने वाले ये दोनों स्थान मेरे लिए पवित्र तीर्थ स्थल ही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, द मेन आर्किटेक्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन हु स्टूड फॉर सोशल जस्टिस had clearly stated that the fundamental constitutional ideals of our modern republic are based on the cultural heritage of India. Baba Sahab had also mentioned with great respect the egalitarian ideals of Sri Ramanujacharya. Thus, our concept of equality is not derived from Western countries. It has developed on the cultural soil of our India. Our eternal vision of Vasudhaiva Kutumbakam is based on equality. Equality is the cornerstone of our democracy too. Equality before law, prohibition of all forms of discrimination, equality of opportunity, abolition of untouchability, all these fundamental rights have been enshrined in our constitution. To achieve the constitutional objective of establishing an equitable society, many programs of public welfare are run by governments. Deviyon aur sajjanon, samast praniyon ke kalyan hetu karya karna bhi hamare desh ka pramukh jeevan moolya raha hai. Sabke hit ka yahi aadarsh श्री रामानुजाचार्य के विशिष्टता द्वैत पर आधारित भक्ति मार्ग में भी दिखाई देता है। इस करुणायुक्त भक्ति का प्रवाह देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा। गुजरात में नरसिंह भगत ने इसी परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु का वास्तविक भक्त उसे माना जो दूसरों के कष्ट को समझे तथा उनका दुख दूर करने में लगा रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी नरसिंह मेहता द्वारा दी गई वैष्णव भक्त की इसी परिभाषा को अपनाया। आधुनिक युग में सनातन भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना करने वाले गांधी जी पर भी श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव दिखाई देता है। गांधी जी ने सन 1923 में अपने कारावास के दौरान रामानुजचरित नामक पुस्तक का अध्ययन किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी के जीवन में भी श्री रामानुजाचार्य जी का बहुत प्रभाव पड़ा था। श्री रामानुजाचार्य के बाद की सहस्राब्दी में उनकी सोच से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा। साथ ही समाज सुधार एवं मानवता के कल्याण हेतु जो बदलाव हैं उन पर भी श्री रामानुज स्वामी जी का प्रभाव दिखाई देता है। असम में श्री शंकर देव से लेकर महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर तक, पंजाब में गुरु नानक से लेकर केरल में मेलपत्तूर नारायण भट्ट तिरी तक, इन सभी विभूतियों पर श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव था। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि यू मे मार्क द करेक्टरिस्टिक सिंस द टाइम ऑफ रामानुजा द ओपनिंग ऑफ द डोर ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू एवरी वन।
That has been the watchword of all the prophets succeeding Ramanuja. Deviyo aur sajjano, Sri Ramanujacharya jaise sant yug pravartak bhi hote hain aur yug drashta bhi. Aaj hamara samvidhan hamare desh ki vyavastha ka aadhar hai. Sadiyon pehle mandir aur math संस्कृति और कार्य व्यवस्था के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे. उस परिवेश में समानता की स्थापना करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने समाज के पिछड़े वर्गों को मंदिरों और मठों की व्यवस्था में सहभागी बनाया. इस प्रकार हमारे संविधान के समतामूलक आदर्श श्री रामानुजाचार्य के विचारों और कार्यप्रणाली में स्पष्ट दिखाई देते हैं. देवी और सज्जनों, जो संत बहुत महान होता है उसे भारत के लोग ईश्वर के समकक्ष रखना चाहते हैं. श्री रामानुजाचार्य को इलाया पेरुमाल यानी परमेश्वर के अनुज अर्थात लक्ष्मण कहने के पीछे हमारे देशवासियों की यही भावना झलक दिखाई देती है. एक लोकप्रिय श्लोक में अलग अलग युगों में जन्म लेने वाले भगवान विष्णु के छोटे भाइयों का उल्लेख किया गया है. उस लोक मान्यता के अनुसार सबसे पहले अनंतनाग यानी शेषनाग के रूप में, उसके बाद त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में, तत्पश्चात द्वापर युग में बलराम के रूप में और अंत में कलयुग में मुनि रामानुज के रूप में भाई ने विष्णु रूपी भाई की सेवा की. यह लोक मान्यता श्री रामानुजाचार्य के अतुलनीय महत्व को रेखांकित करती है. तेलुगु भाषा में महानतम भक्ति काव्य की रचना करने वाले श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय के संत कवि श्री अन्नमाचार्य ने कहा था. क्या कहा था? गतुलन्नी किल महीना कलयुग मंदुनु गति इतड़े चूपे घना गुरुदई बमू. अर्थात इस कलयुग में जब मुक्ति के सभी मार्ग बंद हैं तब ईश्वर की भांति श्री रामानुजाचार्य सभी प्राणियों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं. देवी और सज्जनों, हमारी परंपरा में प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने के लिए साकार प्रतिमा या मूर्ति को आधार बनाया जाता है. किसी स्वरूप के आलंबन के बिना भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती. तिरुपति बालाजी तथा श्री पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में दर्शन करते समय जिस प्रकार की भक्ति भावना का अनुभव मैंने स्वयं में किया वह केवल चिंतन और कल्पना के आधार पर संभव नहीं है. वेद साहित्यों में ऋषियों द्वारा देवताओं से की गई यह प्रार्थना मिलती है जिसमें कहा गया है अश्मा भवतु ते तनु, अर्थात आपका शरीर दृश्यमान बने जिससे कि हम सहज भाव में आपका दर्शन कर सके. ईश्वरीय गुणों से युक्त विभूतियों को ठोस आकार में देखने की यह भावना ही श्री रामानुजाचार्य की इस विशाल प्रतिमा के निर्माण की प्रेरणा रही है. इस दिव्य तथा भव्य समता मूर्ति के निर्माण के लिए श्री रामानुज शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए मैं आदरणीय जीयर स्वामी जी तथा सभी आयोजकों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं. यह भव्य एवं विशाल प्रतिमा जैसा कि आप सब जानते हैं पंच धातु से निर्मित एक मूर्ति मात्र नहीं है. यह प्रतिमा भारत की संत परंपरा का मूर्तिमान स्वरूप है. यह प्रतिमा भारत के समतामूलक समाज के स्वप्न का मूर्तिमान स्वरूप है. यह प्रतिमा भारत की आध्यात्मिक महानता का मूर्तिमान स्वरूप है. यह प्रतिमा भारत के स्वर्णम भविष्य का मूर्तिमान स्वरूप है. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग द 75 years of Indian independence. One of the objectives of Azadi Ka Amrit Mahotsav is to rediscover those values that inspired our freedom struggle. Then the young generation would come to know the sources of the various movements
led by Gandhiji, Baba Sahab, Dr. Ambedkar and others. Then they will realize how the founding fathers of our republic connected us to our heritage as expressed in the life and work of Sri Ramanuja. Devi aur Sajjano, Vaishnava Parampara mein Lok Sangrah अर्थात सबके कल्याण के लिए कार्य करने को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। मैं चाहूंगा कि जिस निष्ठा के साथ आप सब ने इस मूर्ति का निर्माण किया है अर्थात करने में सहयोग दिया है, उसी भावना के साथ आप सब नर नारायण की सेवा तथा कल्याण हेतु देशव्यापी योजनाओं की परिकल्पना करें तथा उन योजनाओं को कार्य रूप प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि इस संस्था द्वारा लोक कल्याण के प्रभावशाली कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। ऐसे प्रकल्पों से समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा